गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड कैसे आप लोग, आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड गाइज स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल पे, इट्स मंजू। एंड गाइज आज मैं आपके लिए एक DIY लेकर आई हूँ जो कि आपकी स्किन लाइटनिंग के लिए, स्किन फर्स्टली स्किन लाइटनिंग, सेकेंड स्किन वाइटनिंग एंड आपके चेहरे पे ग्लो ऐड करेगा। आपके चेहरे पे मार्क होते हैं, एक्ने हो जाते हैं गाइज, अगर एक्ने आपके चेहरे पे छोटे छोटे दाग हैं, दाग नहीं दाने हैं, तो वो दाने जब चले जाते हैं तो वो अपने निशानी छोड़ के चले जाते हैं आपके चेहरे पे, दाग धब्बे जो कि बहुत गंदे लगते हैं और देखने में बहुत बुरे लगते हैं। एंड साथ के साथ और आपके चेहरे पे मुहासे हैं, ये उनको रिड्यूस करेगा एंड आपके चेहरे पे एकदम ग्लो लाएगा। आपकी डेड स्किन सेल्स होते हैं उसको भी रिमूव करेगा, मतलब आप इसे ट्राई कीजिए। और ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट है, एकदम ड्राई स्किन वाले इसे जरूर ट्राई करें एक बार, इसका रिजल्ट आपको अमेजिंग मिलेगा। इसके लगाने के साथ साथ आपकी स्किन हो जाती है एकदम सॉफ्ट, सबल हो जाती है आपकी स्किन एंड आपकी स्किन पे ग्लो आ जाता है। आप इसे फर्स्ट वीक रेगुलर यूज़ कीजिए, डेली यूज़ कीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप बाहर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, नहीं जाते हैं, घर पे रहते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसे लगा के जहाँ भी जाना चाहें जा सकते हैं, लगाइए, 10-15 मिनट छोड़ दीजिए एंड उसके बाद अपने चेहरे को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना, फिर देखना उसका रिजल्ट। अगर आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हो तो आप इसे नाइट में यूज़ करो, क्योंकि नाइट में क्या आप लगा लो, फिर फेस वॉश कर लो, फिर अपना टोनर मॉइस्चराइजर जो भी आप अप्लाई करते हो उसे अप्लाई कर लो एंड ओवरनाइट के लिए छोड़ दो। मेक श्योर इसे यूज़ करने के बाद आप कोई भी फेस वॉश यूज़ ना करें, मतलब जब इसे निकालेंगे उसके बाद फेस वॉश यूज़ ना करें, उसके 2-4 घंटे बाद कर सकते हैं, वैसे ना करें, क्योंकि इससे आपकी जितनी भी डर्ट होती है आपकी स्किन की वो निकल जाएगी ऑलरेडी और आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। सो या जल्दी से देख लो इसे बनाना कैसे है। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके लिए आपको 2 चम्मच कच्चा दूध और ले लेना है, 1 चुटकी हल्दी, दोनों को मिक्स कर लेना है। हल्दी में होता है एंटीबैक्टीरियल होती है जो आपके मुहासे के लिए ट्रीट करती है, और दूध में लैक्टिक एसिड होता है जो कि दोनों ही आपकी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इन दोनों को मिक्स कर लेना है और ये हो गया है पैक रेडी आपके चेहरे पे अप्लाई करने के लिए। सो रेडी है हमारा हल्दी वाला दूध। लोग इसे अपने जोड़ों के दर्द के लिए पीते हैं, हम इसे अपने चेहरे के लिए, इसे अपने चेहरे पे लगाएंगे ताकि हमारी स्किन, आप देखो मेरे चेहरे पे कोई भी दाग धब्बे नहीं है। एंड DIY यूज करके देखो आप गाइस, सच कह रही हूँ मैं, आपके चेहरे चेहरा ना ग्लो करने लग जाना फिर बोलना आप। इस तरीके से आपको एक कॉटन बॉल की हेल्प पूरे चेहरे पे अप्लाई करना है। तो मैंने गाइस इसे अपने चेहरे पे अप्लाई कर लिया है एंड इसी तरीके से आपको अच्छे से लेयर लगानी है, नहीं कि नाम करना है, 2-3 लेयर आप लगा लीजिए, आपका फेस ड्राई हो जाए उसके बाद भी आप चाहे तो लेयर लगा सकते हैं। तो ये मेरा पैक बच चुका है, देख सकते हैं आप कितना बहुत सारा मिल्क बच चुका है ये हल्दी वाला दूध। तो इसे मैं फेंकूंगी नहीं, इसे मॉर्निंग में फिर अप्लाई करूंगी, नाइट हो रहा है मैं नाइट में अप्लाई करती हूँ, फिर मैं इसे मॉर्निंग में फिर से अप्लाई कर लूंगी। सो या मैं आपसे मिलती हूँ 15 मिनट बाद, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका रिजल्ट। 15 मिनट हो गए हैं एंड मेरा चेहरा हो गया एकदम ड्राई। आप चाहे तो इसके ऊपर और भी लेयर लगा सकते हैं। मैं अपने चेहरे को नॉर्मल वाटर से क्लीन करूँगी, आपको फेस वॉश यूज़ नहीं करना है एंड चेहरे पे आपके ग्लो आ जाता है। एंड अपने चेहरे को पोंछ लेना है, डैब डैब करना है, रब नहीं करना है बिल्कुल भी, और आप देख सकते हैं चेहरे का ग्लो। आई होप गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो एंड ग्लो तो आप देख सकते हैं, चेहरा एकदम चमक जाता है आपका। एंड जैसे मैंने आपको बताया जो बचा हुआ है आप इसे मॉर्निंग में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि विंटर है, विंटर में ख़राब भी नहीं होगा, फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं एंड मॉर्निंग में अप्लाई कर लीजिए, या मॉर्निंग में बनाते हैं तो नाइट में भी अप्लाई कर लेना, फेस वॉश मत यूज़ करना एंड स्किन देखो कितनी अच्छी होगी मेरी ग्लोइंग सी। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, गाइस वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड सब्सक्राइब के बाद आपको क्या करना है, एक प्यारा सा कमेंट कर देना एंड अपने फ्रेंड सर्कल में रिलेटिव्स को शेयर कर देना, जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है, जिनको नहीं हो रही उनको भी कर देना, आने वाली फ्यूचर से पहले ही वो इसे देख लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय इंडिया।